मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जूली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं। हल्की हल्की धूप आ रही है पहाड़ों में, वो देखो गाइस, थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही होगी आपको। सुबह हो चुकी है गाइस, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ अब फूल तोड़ने के लिए। और ये है मेरे प्यारे प्यारे बगीचे के प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल गाइस। वैसे ये छोटा वाला गेंदा, मैंने ये बड़ा वाला गेंदा समझ के लगाया था, लेकिन ये छोटा वाला गेंदा निकला, तो फिलहाल तो हम इसे ही तोड़ेंगे। और गाइस, ये देख सकते हो आप, मेरे फूल बहुत ही प्यारे हुए हैं और मैं इनकी केयर भी बहुत करती हूँ। परसों बारिश हुई थी ना, तो ये सारे गिर गए थे, तो मैंने देखो ये डंडे के सहारे और छोटे छोटे धागों के सहारे, ये तो अभी भी गिरी गया, इसको थोड़ी देर बाद मैं फिर से सही करूँगी। गाइस देखो, फूल बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। ये वैसे छोटे वाले गेंदे, लेकिन फिर भी बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा मन तो नहीं करता इनको तोड़ने का, क्योंकि ये फूल ना पौधे में ज़्यादा प्यारे लगते हैं। गाइस ये देखो गाइस, बहुत ही प्यारे हुए हैं मेरे फूल गेंदे के। मैं इनको मतलब ये मान के चलो, मैं ना पूरे महीने भर 3-4 महीने से इनकी केयर करती हूँ, तब जाके ये इतने प्यारे होते हैं और नवरात्रे में ये खिल जाते हैं, ताकि मैं माता रानी को बहुत प्यार से इन्हें चढ़ा पाऊँ और बहुत प्यारी प्यारी इनकी माला बना पाऊँ। तो गाइस हाथ मतलब वैसे फ़ोन भी मतलब एकदम फोकस नहीं कर पा रहे, और ठंडी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मेरे हाथ पूरे ना सुन्न हो चुके हैं इनको तोड़ते तोड़ते, क्योंकि इन पे आप देख सकते हो हल्का हल्का पानी अभी भी, ये देखो गाइस पानी। और गाइस ये ना बड़े ये है गेंदे के फूल असली वाले, इनको भी हम तोड़ेंगे गाइस। तो गाइस हमने फूल तोड़ लिए और अब हम फटाफट से बनाएंगे माता रानी के लिए माला। और देखते गाइस, मेरे ना हाथ बहुत मतलब फूल तोड़ के बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, तो पता नहीं काम करते भी हैं कि नहीं। तो गाइस जल्दी जल्दी सब माला बनाते हैं। तो गाइस मैंने माता रानी के लिए छोटी सी प्यारी सी माला बना लिया, ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी माला बनाई है मैंने। अभी मैं बस एक ही माला बनाऊंगी, क्योंकि गाइस मुझे पूजा भी करनी है, पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है और मेरा फास्ट भी आज, तो जल्दी जल्दी से पूजा करके फिर मेरे को और बाकी काम भी निपटाने हैं घर के। तो गाइस अब करते हैं पूजा। और गाइस यहाँ पर मेरी पूजा की थाली एकदम रेडी कर ली है, और अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाऊं तो पूजा की थाली कुछ ऐसी लग रही थी, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रसाद और चावल और फूल रखे थे। उसके बाद मैंने माता रानी को फूल की माला भी चढ़ा ली थी, और साथ में ही मैंने पूरे मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर लिया था, और माता लक्ष्मी की मूर्ति पर भी बहुत अच्छे से फूल चढ़ाए थे। और गाइस ये थी मेरी अखंड ज्योत जो मैंने जलाई थी। सो गाइस मैंने पूजा तो कर ली, और हमारे सूर्य देव भी आ चुके हैं, ये देखिए गाइस। गाइस पूजा करने के जस्ट एक घंटे बाद नीलू हमारे घर आ गई थी, फिर उसने डिमांड की कि प्लीज़ मेरी मेहंदी लगा दे, तो मैंने उसकी फटाक से मेहंदी लगाई जो कुछ ऐसी लगती है। देखो गाइस ये मेहंदी वैसे मैंने यूट्यूब से देखी थी, और मैंने जब इसको ट्राई किया तो नीलू को ये बहुत ही पसंद आया, और गाइस सच में ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो गाइस अभी बज रहा है शाम के 5, और हम निकल चुके, मैं और किरण निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए, और हम वहाँ जा रहे हैं मामी लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ पास में ही रामलीला लगी हुई है, तो पहले हम रामलीला देखेंगे, उसके बाद वहीं पर दशहरा एंजॉय करेंगे। सो गाइस किरण और मैं बैठ चुके हैं गाड़ी पे, और हमारे साथ हमारी छोटी बहन भी है। गाइस जैसे हम आगरा खाल पहुँचे, तो यहाँ से हमने देखा जो सनसेट का व्यू था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब हमारा मन कर रहा था कि यार कुछ देर यहाँ रुककर सनसेट को देखें, क्योंकि सच में बहुत ही प्यारा और क्यूट था। तो गाइस अभी हम ऋषिकेश से 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर हैं, और यहाँ से ऋषिकेश देहरादून और हरिद्वार का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हो गाइस, मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। गाइस ऋषिकेश से 10 किलोमीटर ऊपर जब हम रुकते हैं, तो हमें ऋषिकेश हरिद्वार और देहरादून का बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे, क्योंकि पूरा शहर रोशनी से जगमगाता है, तो ऐसा लगता है यार कि बस क्या ही देखने को मिल गया। यहाँ देखते भाई इतनी प्यारी है, प्यारा लग रहा है ना मेरे बना। और गाइस यहाँ पर करीबन 15-20 मिनट रुकने के बाद हम दोबारा निकल गए थे ऋषिकेश की ओर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अब ऋषिकेश, ऋषि मुनि
मुनि की नगरी ऋषिकेश। तो सामने रोड दिखाई दे रही है, किरण बता तो देहरादून की कौन सी रोड है। गाइस रुको जरा, सबर करो, रोड आने दो, बताती हूँ। तो गाइस जो यहाँ से आपको राइट हैंड साइड वाली रोड दिख रही है वो जाती है ऋषिकेश, मतलब सॉरी देहरादून की तरफ। और स्टेट जाएगी वो जाएगी हरिद्वार, और ये जाएगी बस अड्डा, बस अड्डा और वो राम झूला लक्ष्मण झूला। तो हम गाइस अभी हम बस अड्डे जा रहे हैं और मार्केट साइड, ये ऋषिकेश का मार्केट है आगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी पुल पर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अभी हम चल रहे हैं 14 बीघा पुल पर। यार ये 16 बीघा पुल है कि 14 बीघा पुल है? 15 से 16 हमें क्या, पुल मिल रहा जी। और गाइस ये पीछे से जो वॉल्यूम आ रही, मतलब आवाज आ रही ना, आगे रामलीला चल रही है, अब हम उसे भी देखने जाएंगे। गाइस मेरी मामी का घर वो वाला, हमने वहाँ पे जाना है। आओ किरण बहन, तुम्हारा स्वागत है। गाइस यहाँ पर मेरी मामी बोल रही है कि ऐसा ही पहन फेंका हुआ है और किरण को वो पैंट लाके दे देगी मामी, क्योंकि अब किरण बहुत तारीफ कर रही है अपनी सड़ी हुई फटी हुई पैंट की। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ ये पैंट कहाँ पे फटी, कहाँ पे गिरी हुई है। ये देखो गाइस ये बाहर का व्यू है और यहाँ पे रामलीला चल रही है और वहाँ पे यहाँ पे गाइस किरण वो फटी हुई पैंट गिरी हुई है जो किरण के लिए लाएंगे अब अभी। गाइस अब किरण और मैं रेडी हो चुके हैं रामलीला देखने के लिए, जो गाइस यही बगल में लग रही है। तो अब हम जाएंगे रामलीला देख ले, लेकिन ये बेचारे पढ़ाकू लोग पढ़ाई करेंगे और हम जाएंगे गाइस अभी रामलीला देखने। तो गाइस चलते हैं अब सीधा रामलीला। गाइस बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ये देखो हम अपना इंतजाम लेके जा रहे हैं सॉल, और ये किरण और मैं निकल चुके हैं। बाय बड़ी मम्मी। बाय। मामी को बहुत ज़्यादा चोट लगी गाइस, तो मामी बेचारी यहीं रहेगी। और गाइस हम निकल चुके हैं, अब किरण बहन रुक जाओ बस, बहन इतना ही उछलो। और गाइस हम निकल चुके हैं अब रामलीला देखने के लिए। गाइस हम आ चुके हैं रामलीला देखने और यहाँ पर वैसे अभी तो बहुत कम भीड़ है, तो मामी ने हमें बोला था कि तुम थोड़ा जल्दी चले जाओ वरना तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, तो हमने फ्रंट सीट पकड़ ली थी। और यार जल्दी आने का एक चीज़ ये फ़ायदा रहता है कि कहीं पर भी बैठ जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें आके थोड़ा फ़ौरन चला थी क्योंकि रामलीला अभी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाइस ये है रामलीला का मंच जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और हमें अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर राम जी के दर्शन होने वाले थे। गाइस सबसे पहले हमें दर्शन हुए हनुमान जी की, जो अपनी गदा लेकर आए थे और राम नाम के नारे लगा रहे थे। और गाइस अभी जो आपको यहाँ पर हंसी सुनाई दे रही है ये रावण की हंसी है जो किरण को बहुत ही प्यारी लग रही है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो रावण के राक्षस हैं, देखो गाइस रावण की सेना बहुत क्यूट लग रही है गाइस, ऐसे सब मतलब कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस डायलॉग जो है ना वो बहुत ही अच्छे लग रहा है, तो थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट भरपूर हो रहा है। और गाइस यहाँ पर आ चुके थे हमारे राम जी, और यहाँ पर राम जी के आगे आगे और पीछे पीछे राम जी की सेना चली थी, और बीच में हमारे राम जी चल रहे थे, उनके पीछे लक्ष्मण और पीछे से हनुमान जी चल रहे थे। गाइस रात के बज रहे 11:30, तो अब हम निकल रहे हैं घर की ओर।
गाइस हम आ चुके हैं अब घर रामलीला देख के, और ये मामी लोग छत पे देख रहे थे क्योंकि मामी चल नहीं सकती। ये देखो गाइस मामी ये छत से देख रहे थे, चप्पल भी दे दे मां। गाइस रामलीला देख के हम आ चुके हैं घर। वैसे तो रामलीला अभी भी चल रही है, तो किरण तुझे क्या, तुझे अच्छा लगा, अच्छी लगी रामलीला? मुझे तो सबसे अच्छा रावण लगा, बिग फैन रावण जी। और उसके बाद हनुमान जी आए हैं। हाँ यार एक्टिंग तो बड़ी मस्त मस्त कर रहे थे। तो गाइज ये था आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, बाय बाय।